खाने पीने के साथ में मैं चाहता हूँ कि सभी आदमियों को घूमना चाहिए जिससे कि सब स्वस्थ रहें। चीनी, नमक और तेल कम यूज करें, बहुत अच्छी बात है। उम्दा क्वालिटी का देसी घी होना चाहिए, ताजा फ्रेश होना चाहिए, बार बार रिसाइकिल करावा नहीं होना चाहिए। ईट हेल्दी, ईट सेफ, ईट फोर्टिफाइड, नो फूड वेस्टेज और पांचवा और सबसे अहम फिजिकल एक्टिविटी। हेल्दी लिविंग के इन पांच नियमों को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और उसके बाद आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है। हिस्टोरिकली यहाँ के आसपास की जगह को अवध के नाम से जाना जाता था और यहाँ था नवाबों का राज और इन्हीं की तहजीब और तमीज से उभरा है यहाँ का रिच आर्ट एंड कल्चर। तो मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी सत्याग्रह से इंस्पायर हुई है ये यात्रा। जिस तरह बापू ने अपने अभियान द्वारा देश को मुक्त किया था, उसी तरह स्वस्थ भारत यात्रा का पर्पस है एक फूड रेवोल्यूशन से देश को स्वस्थ बनाना। स्वस्थ भारत यात्रा के तहत हुई एक ऑल इंडिया साइकिल यात्रा 16 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर इस यात्रा की शुरुआत हुई अलग अलग राज्यों के 6 शहरों से। ये यात्रा देश के करीबन हर प्रदेश एवं यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी। 100 दिनों से अधिक चलने वाली इस रिले साइकिल यात्रा में हजारों वॉलंटियर साइक्लिस्ट का उद्देश्य है ईट राइट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर एक स्वस्थ भारत के सपने को आगे बढ़ाना। हमारे इस एपिसोड की यात्रा में हम आपको देंगे फूड कुजींस के साथ साथ फूड सेफ्टी एंड हेल्दी डाइट्स के कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस। ऐसे मैसेजेस जो गाइड करेंगे आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर। और देश के कोने कोने में इन मैसेजेस के माध्यम से शुरू हुआ है हेल्थ अवेयरनेस लाने का प्रोसेस जिसका नाम है स्वस्थ भारत यात्रा। नॉर्थ ईस्ट ट्रैक की यात्रा की शुरुआत हुई त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से। 4,400 किलोमीटर से अधिक का ये रूट कई धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों से गुजरा, जैसे कामाख्या मंदिर, कैलिम्पोंग की मॉनेस्ट्री, अलाहाबाद का संगम आदि। जगह जगह हुआ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों ने साइक्लिस्ट में जोश भर दिया। साइक्लिस्ट का स्वागत घर के बने हुए खाने व दूसरे फर्मेंटेड फूड से किया गया और उससे मिलने वाली पोषण की जानकारी स्थानीय लोगों ने साइक्लिस्ट और अधिकारियों को दी। नॉर्थ ईस्ट ट्रैक में 400 से ज्यादा लोकेशंस में ग्राउंड एक्टिवेशंस और इवेंट्स हुए जिससे ईट राइट मूवमेंट हर कदम पर जोर पकड़ता गया। हमारे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के इस मिशन में कई डिपार्टमेंट्स ने सहयोग दिया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। लोगों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड के प्रति उनके अधिकारों के बारे में भी उजागर किया गया। पैक्ड खाने में FSSAI का लोगों का महत्व और लोगों की शिकायतों के सही निवारण की प्रक्रिया भी समझाई गई। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से गुजरा ये कारवां त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार होते हुए अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँच गयी है। अनिरुद्ध, स्वस्थ भारत यात्रा से आप क्या समझते हो? कि इंडिया को हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। ओके, और आपको मम्मी हेल्दी रहने के लिए क्या करती है, क्या बोलती है आपको करने के लिए? ईटिंग फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फैंटास्टिक, तो इन्हें भी पता है, तो आपको तो पता होना ही चाहिए कि थोड़ा कम। साइक्लिस्ट ईट राइट इंडिया मूवमेंट के मैसेजेस देश के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं, तो जानना ये जरूरी कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया। बच्चे जो हमारे हैं उन लोगों को एक तो यंगस्टर्स को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का भविष्य यही सब लोग हैं। आने वाले वक्त में यही लोग देश को आगे लेकर के जाएंगे और अगर हमारा देश हेल्दी होगा तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी हेल्दी होने वाली हैं। I
I love to see girls in the cyclist. So how many kilometers have you guys already done? 56 kilometers. Girls can do anything. It's a girl power. जो थोड़ा कम कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमें समझाइए. तेल थोड़ा कम करना चाहिए. तेल कम और चीनी कम. चीनी कम. नमक 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 कम. टेंशन कम. टेंशन कम. बस मुस्कुराइए थोड़ा ज्यादा. अच्छा बच्चों, ये देश सिर्फ आप ही की बात मानने वाला है, ठीक है? तो मेरे साथ सब लोग एक साथ ईट राइट इंडिया. स्वस्थ रहो, मस्त रहो. आप भारत की हाउसवाइफ्स को क्या बोलना चाहेंगी, क्या बेसिक टिप्स उन्हें देना चाहेंगी सो दैट द फूड इज हेल्दी? यदि हम खुद ही रसोई में चले जाएंगे, मैं हाउसवाइफ बन जाऊँ व्हेन आई एम कुकिंग फॉर माय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, हम चाहेंगे कि चीनी, तेल और नमक कुछ कम इस्तेमाल करें. हो सकता है वी आर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी हाउसहोल्ड. अब बिरयानी कटेगी और सब में बटेगी. ले जाओ यहीं से. थैंक यू भाई. बिरयानी, कोरमा, निहारी तीनों तैयार है. इनमें ना एक कॉमन चीज, वो है इनका कुकिंग स्टाइल. माइक्रोवेव में यूज करने वाले कंटेनर्स पर ये लोगो हो, इसका मतलब क्या है? Eat right, India. लिटरेचर, पोएट्री एंड क्विजीन, सबका यहाँ पे एक अलग नवाबी अंदाज. और आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इसी नवाबी अंदाज से बनाए गए इनके क्विजींस को, जो कि अवधि क्विजीन के नाम से भी फेमस है. अवधि क्विजींस की कहानी शुरू होती है अवध के नवाबों से, जो कि आए थे पर्शिया से. वहाँ इनके डाइट में मीट्स की वेरियस फॉर्म्स के साथ साथ होता था ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स. और इन्हीं सब चीज़ों पे पड़ा द मुगलई इन्फ्लुएंस. और फिर नवाबों ने इसमें केसर और इंडियन स्पाइसेस मिला के बनाया द अवधी क्विजीन. आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या हुआ जी. नवाबों के इस शहर में जहाँ हम खड़े हैं उसका नाम है नवाबी, तो थोड़ी नवाबी हरकतें तो बनती हैं. और यहाँ की बिरयानी, कोरमा और निहारी तीनों लाजवाब है. और सबसे खास बात हाइजीन, ये एक अच्छी खासी साफ सुथरी जगह है, बिल्कुल मेरे और आपके लायक. और ये सफाई सिर्फ बाहर नहीं, किचन के अंदर भी है. आइए दिखाती हूँ. मेरे साथ है अब्दुल जी, जिन्होंने मुझे बिरयानी के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और अब्दुल जी, अगर कहीं गलती कर दूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. बिरयानी, बिरया इज अ पर्शियन वर्ड फॉर अ कुकिंग प्रोसेस, जिसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन करके उसे कई मसालों के साथ फिर से भुना जाता है. और फिर उसमें मिलाया जाता है दूध और कई खुशबूदार मसाले. फिर उसमें मिलाया जाता है गोश्त, और गोश्त और चावल को अलग अलग पकाया जाता है, राइट? और फिर उसे लेयर वाइज मिक्स किया जाता है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं. लेकिन बिरयानी को जिस तरीके से काटा जाता है उससे बिरयानी का स्वाद बदल जाता है. अब बिरयानी कटेगी और सब में बटेगी. आइए देखते हैं कैसे कटती है बिरयानी. दिखाइए अब्दुल जी. इन्होंने बेसिकली सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला के सर्व किया है. थैंक यू अब्दुल जी. आई कांट वेट. मैं ले जाऊँ यहीं से? ले ले. थैंक यू. I just can't wait. भाई बिरयानी, कोरमा, निहारी तीनों तैयार है. अच्छा, इनमें ना एक कॉमन चीज़ है, वो है इनका कुकिंग स्टाइल, जो कि है दम. गोश्त को बंद करके उसे हल्की आंच पर पकाया जाता है. और ये बात लखनऊ की खासियत है. कोरमा में दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों वैरायटीज बहुत ही फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं. नॉन वेज में मटन कोरमा और वेज में नवरत्न कोरमा क्लासिक है. वेल, मटन निहारी तो खैर अपने आप में एक बहुत ही लजीज चीज़ है, और इसे खाया जाता है कुलचे के साथ. इसका इजाद हुआ था 1890 में बाय
हाजी अब्दुल रहीम साहब, उनको मेरा पर्सनल सलाम। तीनों में ना हल्का हल्का तेल यूज किया गया, लेकिन नवाबीन की खास बात यह है कि जो एक बार इन्होंने कुकिंग ऑयल यूज कर लिया तो दोबारा नहीं यूज करते। I was knowing that you were gonna come here. Oh, you were expecting me. Guys, she is Monica Singh. She's a lecturer in European history. Monica ji ko to aap already jante hain. Aur hamare saath hai Stuti, who heads marketing for a very big brand. And also Gauri, who is still studying. So basically, we've got some rocking ladies in the house. Thank you. Aaj hum aapko safe and nutritious food ke baare mein kuch healthy tips denge. उसे हम बनाएंगे थोड़ा इंटरेस्टिंग। हम आपके साथ खेलेंगे एक छोटा सा गेम, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, इट्स अ बजर बीटर राउंड। तो बेसिकली आपको बजर बजाना है, एंड द बजर इज आप अपने लेग पे ऐसे मारोगे, पहले जिसकी आवाज सुनाई दी वो उसको जाएगा क्वेश्चन। या ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज, कटे हुए वेजिटेबल्स को पानी में सोक करके क्यों नहीं रखते हैं? I'll give it to her. Tell me. So, उसको soak इसलिए नहीं करते हैं, because उसमें जितने भी vitamins and minerals होंगे, that you will tend to lose. Well done. That's a 100 out of 100 answer. But Monica, you need to get up. Yeah. Iodized salt को खाने से पहले डालते हैं या बाद में? It was me again. Reflexes. Okay. Tell me. को बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें जो iodine होता है, you tend to lose iodine अगर आप पहले डाल के उसको भूनते हैं. Hence, वो आयोडीन सेव करने के लिए आप खाना बनाने के बाद में इसको डालें। Okay, so the next question is, shallow frying या deep frying, दोनों में से ज़्यादा हेल्दी क्या है? बताइए, बारी आई आपकी। Shallow fry बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, deep fry is more healthy because shallow fry में जितना भी ऑयल होता है everything, so we all need to go for deep fry. Shallow fry नहीं खाना चाहिए, it's really not good. इससे perfect answer और कुछ नहीं हो सकता है, याद रखिए, shallow frying में तेल ज्यादा absorb होता है, ना कि deep frying में. Next question, ये question या तो आप दोनों में tie करेगा या तो आप जीत जाएंगे. तो microwave यहाँ पे कौन कौन इस्तेमाल करता है? तो microwave में डालने वाले किसी container में अगर ये sign हो, ये logo हो, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कुछ पावर रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है, आई डोंट नो मच, ऐसा अगर निशान है तो इसको यूज नहीं करना चाहिए। ये आंसर एकदम गलत है। अगर ये लोगो हो आपके कंटेनर पर, यानी वो कंटेनर माइक्रोवेव फ्रेंडली है, इसका मतलब आप सिर्फ वही कंटेनर माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये लोगो, ऐसे तीन और लोगोज हैं जिनका मतलब भी वही है, जैसे कि ये, दिस वन, and then we've got the next logo, which is this. This also means the same thing. And the last one is this. All right, ladies, because all of you answered well, koi baat nahi, koi baat nahi. Stuti, thank you so much. And Gauri, this one's for you. All right, tumhara next sawal is par hai, theek hai? Can I see it? Yeah, sure. Aapke is product par ye plus F sign hai. Is plus F sign ka matlab kya hai? बताइए। मतलब इट्स सेफ टू यूज, इट्स मेड इन अ प्रॉपर वे, इट्स फोर्टिफाइड, विटामिन ए एंड बी इज देयर इन द सेम, दिस आई से, या दिस यूज एक्चुअली, आई टोल्ड यू पहले पढ़ लो ना, तो फोर्टिफाइड है, इसका मतलब ये है कि यू नो प्लस एफ साइन के साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका हो गया तेल, सॉल्ट, चावल, आटा, दूध, जिस पे ये प्लस एफ साइन है, जो उस प्रोडक्ट में मिनरल्स होते हैं उसमें हम एडेड मिनरल्स डालते हैं, जो आपकी बॉडी को बहुत लाभ देता है, एंड दैट इज व्हाई आपको हेल्दी रहने के लिए और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए ओनली प्लस एफ साइन वाले प्रोडक्ट्स ही यूज करना चाहिए। फोर्टिफाइड फूड के इस मैसेज को एक कैंपेन के माध्यम से देश भर के लोगों तक पहुँचाया गया। रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की, हर चीज पे पड़ता है। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे प्लस एफ के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन्स और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ, स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद प्लस एफ लोगो फ्रॉम टुडे। आई होप आपको भी हमारी ये सारी बातें यूजफुल लगी होंगी, और ऐसी कई और यूजफुल बातें हैं इस पिंक बुक में। ये पिंक बुक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI ने बनाया है, स्पेशली इंडियन किचन्स के लिए डिज़ाइन किया है।
तो आप इस पिंक बुक को जरूर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इसके बारे में बताएं, और हमारे घर बैठे दर्शकों के लिए ये पिंक बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एंड दिस इज द वेबसाइट. So girls, thank you so much. मुझे बहुत मजा आया. All thanks to you. Yeah, we got to know so many things. Well, जो मैसेज हमने आप तक पहुंचाया है, ना वो मैसेज हम पूरे भारत में पहुंचा दें. Sure. Yeah, you guys ready? All right. So eat right. India. मोनिका जी और उनके दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली से मिल रही हूँ. वाकई इस शहर के लोगों में बहुत तहजीब और बहुत मिठास है. और अभी हमारे इस एपिसोड में थोड़ी मिठास बाकी है, तो ब्रेक के बाद चखेंगे इस नवाबी शहर की मीठी खातिरदारी. चलिए, नाम ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ये है टुंडे कबाब. अवधि क्विजीन्स में और भी कई तरीके के कबाब बहुत फेमस हैं, जैसे काकोरी कबाब, और साथ ही साथ और भी कबाब थे जैसे गलौटी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब. हुजूर, ये चाट नहीं आर्ट है. Right, India. बनारस की मलइयों लखनऊ में आके मलाई मक्खन हो जाती है. कहते हैं बनारस की सुबह और अवध की शाम का अपना ही अलग मजा है, और मैं तो खड़ी हूँ अवध की राजधानी लखनऊ में, और ऐसी शाम में अगर कबाब मिल जाए तो जनाब आहा आग लग जाए. तभी तो लखनऊ का अपने कबाबों पर इतना गर्व है. और लखनऊ के कबाब और पंजाबी कबाबों में एक बहुत बड़ा फर्क है. लखनऊ में कबाब बनते हैं चूल्हे पर, और कबाब पंजाब में बनते हैं तंदूर पर. तभी लखनऊ के कबाबों को यानी अवधि कबाबों को चूल्हे कबाब भी कहा जाता है, और पंजाब के कबाबों को कहा जाता है तंदूरी कबाब. नाम ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, ये है टुंडे कबाब. बस लखनऊ की गलियों में चलते जाइए, और जहां से महक आ जाए समझ जाइए अब सही जगह पे पहुंचे. इसकी रेसिपी यहाँ के फैमिली की सबसे क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, जिसमें 160 स्पाइसेस मिलाए जाते हैं, और इसे खाया जाता है रुमाली रोटीज के साथ. अब इसका नाम टुंडे कबाब कैसे पड़ा और क्यों है ये फेमस, ये कहानी इस दुकान की तरह 100 साल पुरानी है. कहते हैं यहाँ के राजा को मीट खाने का बड़ा शौक था, लेकिन राजा के पास दांत ही नहीं थे मीट को चबाने के लिए. तो उसने अपने एक हाथ वाले शेफ से कहा कि कुछ ऐसा बनाओ कि वो मुंह में जाते ही घुल जाए. तो शेफ ने मीट को इतने फाइनली मिंस किया कि वो बन गया एकदम पेस्ट, और उस कबाब का नाम पड़ा टुंडे, क्योंकि वो एक हाथ वाला शेफ था, और उसे खाते ही राजा हो गया खुश और टुंडे हो गया फेमस. अवधि क्विजीन्स में और भी कई तरीके के कबाब बहुत फेमस है, जैसे काकोरी कबाब, which is basically finely minced lamb mixed with khoya and a lot of spices. और इसका नाम काकोरी इसलिए पड़ा है because it belongs to काकोरी, which is a city next to लखनऊ. और साथ ही साथ और भी कबाब थे जैसे गलौटी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब. Oh my God, I love the Mughlai influence in the food here. तो ये जगह मेरे और आपके लिए एकदम perfect है, क्योंकि ये काफी hygienic है. तो चलिए कुछ खाया जाए. थैंक यू. अरे ऐसे मत देखिए, इतने सारे कबाब मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी. मैं खाऊंगी पर थोड़ा कम, बाकी मेरी पूरी यूनिट है ना. अच्छा बाय द वे, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप ये तो सोच रहे होंगे कि ये जगह आपके किस काम की. वेल, दालची कबाब, अरबी कबाब, कटहल के कबाब, राजमा के गलौटी कबाब, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी वराइटीज हैं. कबाब से आके फेमस हैं,
लेकिन यहाँ का एक चाट है जो कि बहुत स्पेशल है, द कटोरी चाट, ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड फेमस बास्केट चाट. तो कटोरी चाट या बास्केट चाट का बेस ये है और इसे सर्व करने का तरीका भी बहुत मजेदार है. लेकिन ये बनता कैसे ये बताएंगे हमें मायाराम जी. बताइए मायाराम जी. ये मैम बास्केट चाट है, ये 92 में लॉन्च किया गया था. यहाँ से आलू टिक्की, दही बड़े, पापड़ी चाट, छोले, दही चटनी, सेव, अनार, हरी धनिया दिया जाता है. हुजूर ये चाट नहीं आर्ट है. थैंक यू. सॉल्ट, ऑयल और शुगर हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें अपने लालच को और सॉल्ट, ऑयल और शुगर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. इसीलिए आज से अपने डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे करके सॉल्ट, ऑयल और शुगर थोड़ा ये यात्रा अब अगले शहर जाने वाली है और उसके लिए ये बैटन अब हैंड ओवर किया जाएगा बाय आवर कमिश्नर मैम टू द साइक्लिस्ट. गो फॉर इट. यहाँ की खूबसूरत यादें समेट कर ये साइक्लिस्ट अब निकल पड़ेंगे एक और नए शहर की ओर स्वस्थ भारत यात्रा के मैसेजेस को पहुँचाने के लिए. और मैं भी चाहूँगी कि ये देश स्वस्थ भारत की ओर एक कदम बढ़ाए और इसके लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स इनकल्केट करें, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, खुद को साफ रखना, proper garbage disposal and pest control. Are you guys ready? Yes! All right! Eat right! India! Huzoor, pehle aap. Nahi, 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 pehle aap. Nahi, pehle aap. Nahi, nahi, nahi. Faluda Kulfi ji, aap mein toh sugar hai. Toh aapko main rehne deti hoon. देखिए पहले आप करने में ना मेरी गाड़ी निकल जाएगी और मुझे गाड़ी नहीं छोड़नी क्योंकि साइक्लिस्ट अगले शहर पहुंच चुके हैं. तो मैं भी ये गर्मा गर्म ग्लास दूध पीकर इस इको फ्रेंडली कुल्हड़ में तंदुरुस्ती बढ़ाती हूँ और यूँ निकलती हूँ. और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए क्योंकि जनाब अब भी हम लखनऊ में हैं. आपको हेल्दी रहने के लिए और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए ओनली प्लस एफ साइन वाले प्रोडक्ट्स ही यूज करना चाहिए. मैं भी चाहूंगी कि ये देश स्वस्थ भारत की ओर एक कदम बढ़ाए और इसके लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स इनकल्केट करें, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड पेस्ट कंट्रोल. इसीलिए आज से अपने डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे करके सॉल्ट, ऑयल और शुगर थोड़ा Eat Right India.